Meanwhile, developments overnight, around 7 coaches of a good strain have derailed in the Amroha yard between Ghaziabad and Moradabad overnight. The incident took place late into the morning hours. Authorities are still trying to probe the exact cause of the incident. Remember, a different derailment had taken place on the 18th of July when the Chandigarh-Dibrugarh Express had derailed near the Gonda station between Motiganj and Jilai. That accident resulted in at least three people who died, including several other casualties. Meanwhile, the DRM of Moradabad, Rajkumar Singh, has now shared more details. Let's listen in. रेलवे की साइड पर अभी पहुंचे हैं और हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग ट्रैफिक रिस्टोर करना हमारी प्रायोरिटी है। बाकी और चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक मैं इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है ट्रैफिक को रिस्टोर करना। ट्रैफिक रिस्टोर करने के बाद ही हम इन विषयों पर बात। ऑलराइट, द विजुअल्स ऑन योर स्क्रीन्स डू इंडिकेट अ क्वाइट कैटास्ट्रोफिक derailment. It's not simply a train that has come off the tracks. It's a train that's come off the track at pace and has indeed rolled over with seven of its bogies pretty much on their sides. But you're looking at the visuals that have come in this morning on your screens right now at the very rapid work that is being done to remove those bogies to restore the track. My colleague is joining us on the broadcast to help us get a better understanding of the situation as it has developed. Anil ji, तो ट्रैक क्लियरेंस हो रही है, गुड स्ट्रेन थी, तो इसमें अभी कोई इस हादसे में कोई फैटलिटीज या कैजुअलिटीज नहीं हुई है, थैंक गॉड। देखिए, मैं आपको बता दूं, अमरोहा में यह हादसा हुआ है और मुरादाबाद की जितनी भी ट्रेन है जो गाजियाबाद या दिल्ली की तरफ से जा रहे हैं वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं। मैं जैसे ही सूचना मिली उसके बाद मैं तुरंत गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर हमारी टीम पहुंची और हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की। इनकी तरफ से बताया गया है कि जितनी भी ट्रेनें जा रही हैं जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा, जो पटरी है वो क्लियर नहीं होगी, उसके बाद ही जो है ट्रेन यहाँ से रवाना की जाएंगी और साथ ही कानपुर और बाया मेरठ की तरफ से जो है कुछ ट्रेनें जो है रवाना की जा रही हैं। इस तरीके की बातें यहाँ पूछताछ केंद्र में बताई गई हैं। और हादसे की अगर बात की जाए तो उससे पहले गोंडा में ये हादसा हुआ तो वाकई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, आखिरकार हादसे हो क्या रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इस वजह को जानना चाहिए अधिकारियों को। ये तमाम सवाल जो यहाँ के लोग हैं वो भी खड़े कर रहे हैं, आखिरकार ट्रेन हादसे हो क्यों रहे हैं, क्योंकि गोंडा में हुआ और अब ये हादसा हुआ है जिसमें कि गनीमत ये रही है कोई भी व्यक्ति उसके अंदर उस तरीके से नहीं था जिसको चोट आई हो। ये मालगाड़ी बताई गई है जिसमें कि 10 डिब्बे थे और जिसमें कि 2 डिब्बों में केमिकल भरा हुआ था। ये 10 के 10 डिब्बे पलटे और 2 में केमिकल था। तेज धमाका हुआ, सुबह 7 बजे का वक्त था, जो आसपास के लोग वहां मौके पर पहुंचे और चीख पुकार की आवाज जब हुई तो आसपास के लोग वहां पहुंच गए और साथ ही जो अधिकारी हैं वो अब इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, सारी जांच की जा रही है। मौके पर रेलवे अधिकारी पहुंचे हुए हैं, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, आखिरकार ये 10 डिब्बे आखिरकार कैसे पटरी से उतर गए, इन सभी पहलुओं पर जांच चल रही है जी। ओके, वेल, इफ यू आर इंडीड प्लानिंग टू कैच अ ट्रेन फ्रॉम द गाजियाबाद स्टेशन और नो समबडी यू डू, लॉट ऑफ दोस ट्रेन्स आर बीइंग कैंसल्ड अंटिल दिस डीरेलमेंट इज क्लियर्ड। लॉट ऑफ रैपिड प्रोग्रेस इज बीइंग मेड इन दैट क्लियरेंस एज यू कैन सी। थैंकफुली देयर बीन नो कैजुअलिटीज दिस टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन। व्हाट कॉज द डीरेलमेंट इज स्टिल अ मैटर ऑफ स्पेक्युलेशन सिंस द अथॉरिटीज हैव नॉट टोल्ड अस एग्जैक्टली व्हाई। लुक्स लाइक एन एक्सीडेंट एट दिस स्टेज, होपफुली दैट्स व्हाट इट रिमेन्स।